शवाया, एसी अरेबियन फूड कोर्ट, शहर के बीचों बीच मुगल पुरे पर। मंदी का असली जायका चाहिए तो अब शवाया अरेबियन फूड कोर्ट को आजमाइए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड़ा न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। तालीम जिंदगी व तरक्की के लिए अहम हिस्सा है। तालीम के बिना कामयाबी मुमकिन नहीं। कोरोना वबा के बाद से बच्चों में तालीम से जैसे दिलचस्पी ही उठ गई है और वबा फैलने के खदशात से गैदरिंग को दूर रखते हुए फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बच्चों से दूर होती गई। अभी शहर के हालात तो ठीक हो गए हैं, पर स्कूल में तालीम ऐसे कि सिर्फ बच्चे रट्टों पर पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो हमें आज़ादी दिलाए हैं, आज़ादी के लिए लड़े हैं, जद्दोजहद की हैं, पर आजकल के नौजवानों में ये तालीम के सिर्फ एक लेसन के हिस्से के तौर पर हो गई है। इसी को दूर करने के इरादे से मुराद महल तालाब कट्टे पर वाक़ मशहूर स्कूल मॉर्निंग स्टार स्कूल में सभी लीडर्स फ्रीडम फाइटर्स के मेहनत को बताने के लिए, जैसे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल व दीगर मशहूर शख्सियतों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए मजहबी व सियासी मसलों पर डटकर खड़े थे, हमारे लिए लड़े थे। बच्चों को इनके मेहरबानियों को समझाने के मकसद से 3 दिसंबर हफ्ते को मॉर्निंग स्टार स्कूल में बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल एक्सपो 2022-2023 मुनक्कद किया गया। इस यूनिक एक्टिविटीज़ में कम उम्र तुलबा व तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और बनाए गए किरदार को बाखूबी अदा करते नजर आए। मॉर्निंग स्टार स्कूल वो है जहां कोरोना जैसी जहरीली वबा में भी बच्चों को वक्त का ज़ाया ना करते हुए ऑनलाइन क्लासेस में कड़ी मेहनत करते हुए स्कूल के उस्तादेजा ने बच्चों को बेहतरीन तालीम दी। यहां दुनिया व दीनी तालीम दी जाती है बहुत ही कम फीस के साथ काबिल उस्तादेजा की निगरानी में, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग स्टार स्कूल पर। इस एक्टिविटी में छोटे बच्चों तक कई मशहूर शख्सियत के रोल अदा किए हैं। इसका मकसद बच्चों को उस मशहूर हस्ती के बारे में बताना है। इस प्रोग्राम में मॉर्निंग स्टार स्कूल के प्रिंसिपल सभी बच्चों के इस बेहतरीन अदाकारी से खुश होकर उन्हें शाबाशी दी और इन बच्चों के वालिदैन और उस्तादों की मेहनत पर इनका शुक्रिया अदा किया गया। आइए देखते हैं इसके कुछ खास मनाजिर हमारी ये खास रिपोर्ट में। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल ज़ेड़ा न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 80 साल पहले लिखी थी ये बातें, आज सच साबित हो रही है। कल मजहब पूछ कर बख्श दी थी जान मेरी, आज फिरका पूछ कर उसने ही ले ली जान। मत करो रफा यदैन पर इतनी बहस मुसलमानों, नमाज तो उनकी भी हो जाती है जिनके हाथ नहीं होते। तुम हाथ बांधने और हाथ छोड़ने में बहस में लगे रहो और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की साजिश में लगे। जिंदगी के फरेब में हमने हजारों सजदे कजा कर डाले, जिंदगी के फरेब में हमने हजारों सजदे कजा कर डाले, हमारे जन्नत के सरदार ने तो तीरों की बरसात में भी नमाज कजा नहीं। सजदाए इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं बस फ़र्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। मौलाना आज़ाद ही वॉज द फर्स्ट एजुकेटेड मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Safwan of Grade 1. Azad was against the separation of India and Pakistan. Thank you, Jazakallahu Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं दर्जा दुवम के शेख हसीबुद्दीन हूँ। अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए, जो कि सल्तनत आसमाना का एक हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा है। इनके वालिद अफगान नसब के आलम थे। इन्होंने 12 किताबें लिखी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
आई एम ग्रेट इन थर्ड क्लास। सर सैयद ने मुसलमानों के अहलाल व तरक्की का पेड़ा इस वक्त उठाया जब ज़मीन मुसलमानों पर तंग थी और अंग्रेज़ उनके खून के प्यासे हो रहे थे। वो तोपों से उड़ाया जाता था, सोली पर लटकाया जाता था, उनकी घरों की ईंट से ईंट बजा दी गए और उनका जायदाद जब्त कर ले गए और नौकरियों के दरवाजे उन पर बंद थे और मशा की तमाम राय मशहूर थी। वो देख रहे थे कि असला हवाल की अगर जल्द कोशिश ना की तो मुसलमान साये खुद मुस्तकार और घास कूदने वालों के अलावा कुछ और नहीं रहेंगे। सर सैयद ने महसूस कर लिया था कि ऊंची और दरमियानी तबकों तबाह हलाल मुसलमान जब तक उनके बाप दादा के कारनामों पर शेखी बगाड़ते रहेंगे और अंग्रेज़ी ज़ुबान मगरबी आलूम से नफरत करते रहेंगे। जब कभी आलिमों और मजहबों आदमियों को देखा, रिजाल की आमदा मकाना देखी, जब कभी आमदा पुल देखी, मुझको हमारे अपने मालिक और कौम छोड़ दी आई नहायत रंज हो के आज कौम आई क्यों आई। हाय मेरी कौम। थैंक यू। अल्लाह बरकातहू। आई एम मिसेस शाकिरा इनायत। आई एम टीचिंग इन द मॉर्निंग स्टार स्कूल। So in our school, there is an intellectual expo program has been conducted. As you can see, our theme was the Tipu Sultan theme. You can see over here, here is the three stages of Tipu Sultan, which we have created or try to create it. Here, the childhood of the Tipu Sultan, the second is the 15, the age of 15, when he fought the first war, Tipu Sultan. So this is the 15 age, and this was the elder one, Tipu Sultan, here. So here we have also tried to make a family background over here, like you can see Haider Ali and Fakhr al-Nisa, the Wazir, and so on, the peoples over here. So Alhamdulillah, thank you. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ ज़ैद अहमद ऑफ क्लास सेकंड। सर सैयद इज़ आल्सो एंड द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान फॉल इज रूल इन डेवलपिंग अ मुस्लिम पॉलिटिकल क्लास इंडिपेंडेंस ऑफ हिंदू मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बॉर्न 17 अक्टूबर 1817, दिल्ली मुगल इंडिया। डेट 27 मार्च 1898, अलीगढ़ नॉर्थ। अदर नेम सर सैयद, रिलेटिव रोज मासूद, ग्रैंड सन, चिल्ड्रन सैयद महमूद, स्टार ऑफ इंडिया। ईरा 19th century, स्कूल इस्लामिक एड, रिनाइसेस फिलोसफी। थैंक यू। क्लास आई एम चिपकोड़ा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ अली बिन जाफर। आई एम स्टडिंग 5th class। मैं आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलने जा रहा हूँ, यानी बालीवुड। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बेहद शौकीन थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। बच्चों के प्रति उनके प्रेम के कारण आज भी उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद। मतलब माय नेम इज़ मोहम्मद मुजीब हुसैन। आई एम स्टडिंग 1st class। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लोचक तथ्य। उन्हें गुलाब के फूल का बहुत शौक था और उन्होंने हमेशा अपनी जैकेट में कली बांधते थे। थैंक यू। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ सकीना खान। आई एम स्टडी इन क्लास 5। अचीवमेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अपने प्रशासन को तत्व उन्होंने किया 3 उद्योगों की स्थापना की ताकि हमारे देश की आर्यावस्था को बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद। आई एम स्टडी 1st class। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में रोचक तथ्य। उन्होंने इंडिया मिनिस्टर ऑफ पॉलिसी। इन्होंने आत्मकथा के फ्रीडम शहीद का एक किताब लिखी है। क्यों सफूरा बेगम। आई एम स्टडी इन 3rd class। मैं आज इंदिरा गांधी के बारे में बोलूँगी। जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप किसी ना किसी को डिस्कवर करते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की ताकत प्रतीक एक महिला शक्ति की देवी। धन्यवाद। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ हसन बिन फैसल बामरान। आई एम स्टडी इन 2nd class। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में रोचक तथ्य।
जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 से 1964 तक अपने देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। धन्यवाद। आई एम स्टडिंग सेकेंड क्लास। भारत की स्वतंत्रता में नेहरू की भूमिका। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1916 में श्रीमती कमला नेहरू से शादी की और 1917 में वो एक बच्ची के पिता बने जिसका नाम इन्होंने इंदिरा रखा। आगे चलकर वो छोटी सी बच्ची भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज अहमदुल्लाह, आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट क्लास। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1890 को इलाहाबाद में हुआ था। उनका जन्म श्रीमती स्वरूप रानी और श्री मोतीलाल नेहरू के घर हुआ था। थैंक क्लास प्रिंसिपल्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, माय नेम इज़ आयशा सिद्दीका, स्टडी एट फिफ्थ क्लास। प्रिंसिपल ऑफ सर सैयद अहमद खान, ही रिप्रेजेंट द यूनिटी। सर सैयद अहमद खान वॉज द ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। ही इंटरप्रेटेड कुरान इन द लाइट ऑफ मॉडर्न रिलेशनिज्म एंड साइंस। ही टुक अप द स्ट्रगल अगेंस्ट फनाटिज्म, इग्नोरेंसी, नैरो माइंडनेस, विक्टरीज एंड लेड एम्फेसिस ऑन फ्री थिंकिंग। थैंक यू। माई नेम इज हिमांशा, आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट क्लास। He recognized that education is the most important tool through which Muslims school. Thank you. Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं दर्जा अव्वल का हबीब हूँ। मौलाना आज़ाद जामिया उलमा हिंद के रुकन थे। इसे काम नए बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान ताल्लुकात को बेहतरीन बनाने में मदद की। इसने नया जारो हाल बलग शुरू किया जिस पर डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट के तामजी लगा दी गई और इसे गिरफ्तार कर दिया। शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई एम मोहम्मद उमर ऑफ ग्रेड वन। मौलाना आजाद बिकम द यंगेस्ट मैन टू बी इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ यूनिटी कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। ही सपोर्टेड इंडिया क्विट मूवमेंट। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई एम अब्दुल्लाह ऑफ ग्रेड वन। गांधी जी इज नोन एज अ फादर ऑफ नेशन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई एम मोहम्मद सफ़ान ऑफ ग्रेड वन। आज़ाद वॉज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। तो आई एम सैयद बिलालुद्दीन ऑफ ग्रेड 7। आज़ाद वॉज मूव टू जेल इन रांची। अपॉन ही रिलीज ही सपोर्टेड नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट विद गांधी जी एंड शौकत अली एंड मोहम्मद अली। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। एज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सल प्राइमरी फ्री एंड कम। माय नेम इज मोहम्मद बिलालुद्दीन, आई एम ग्रेड 3। सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन अमंग द इंडिया मुस्लिम। थर्ड इट सक्सेस इन अचीविंग इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्रेस एंड सोशल रिफॉर्म। हिज एफर्ट्स अर्निड सर सैयद द टाइटल ऑफ प्रॉफिट एजुकेशनल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू, माय नेम इज हुमेरा बेगम, आई एम ग्रेड 2। सैयद अहमद खान ने जदीदुल कुरान कबर के साथ साथ उर्दू जबान में उनके बड़े भाई ने शहर के सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की बुनियाद रखी। इब्तदाई तालीम हासिल करने के लिए इन्होंने अपने खालू मौलवी कलील उल्ला ने अदालती काम सिखाया। थैंक यू।
warahmatullahi wabarakatuh. I am Sheikh Hasibuddin of grade 2nd, Abul Kalam Ghulam Muhyiddin Ahmad bin Qayatuddin Al-Husaini Azad was born on 11 November 1888 in Makkah, a part of Ottoman Empire, now a part of Saudi Arabia. His father was a scholar of our ancestry. He wrote 12 books. Thank you, Dada Kalohar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main darja 2 ke शेख हसीबुद्दीन हूँ, अब्दुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का में पैदा हुए, जो कि सल्तनत आसमानी का एक हिस्सा सऊदी अरब का हिस्सा है। इनके वाली तकवान नसब के आलम थे। उन्होंने 12 किताबें लिखी। शुक्रिया सदा कलोखर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we have conducted a program on intellectual personalities of our nation to create awareness among the students so that they get aware and inculcate their qualities and practice them in their daily lives. So that's it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the school captain of Morning Star School. We have done this program to spread awareness in children's our freedom fighters, about our freedom fighters. Thank you. Freedom fighter Maulana Abul Kalam Azad spent close to 10 years in British prisoners. Out of this, 3 years were spent at another fort. The faint-hearted prisoners who had blamed their fortune complained of the hardships of prison life. Maulana Azad used the time to pour out his heart into writing letters. These are just not letters. They are commentaries on life, religion, behavior of birds nested inside the old fort. Changes in seasons, history of tea. Nobody enjoyed making and sipping tea like Maulana Azad did. Instead of complaining, he utilized his time wisely in the jail. On February 2, 1958, Maulana Azad, one of the foremost leaders of Indian struggle, passed away. For his invaluable contribution towards nation, he was awarded Bharat Ratna. Thank you, Jazakallahu Khair. Warahmatullahi wabarakatuh. I am Hazrabah Nawab, grade 6. In 1908, Maulana Azad took a trip to Egypt, Syria, Turkey and France, where he met followers of Kamal Mustafa Pasha members, Turk movement and Iranian revolution. He became full-fledged Indian nationalist. Thank you, Jazakallah Khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sayyidullah Muhammad Ali of grade 3. In the years 1912 to 1914, Azad established Urdu weekly newspaper. The publication were ended for encouraging young Muslim into fighting for independence and Hindu-Muslim unity. Allah was banned under Press Act. Thank you, Jazakallah Khair. मुसलमानों के हर फिरके ने एक दूसरे को काफिर कहा, एक काफिर ही है जो उसने हम सबको मुसलमान कहा। खौफ होता है शैतान को आज के मुसलमान को देखकर, नमाज भी पढ़ता है तो मस्जिद का नाम देखकर। थैंक यू। एड्स के साथ बोले तो नहीं लगा, एड्स तक बोला ये बता के बोले तो बेटर। Of grade 3rd. In 1819, Azad and his family settled in Kolkata. Azad was homeschooled and settled out. Azad mastered several other languages, including Arabic, Bengali, Hindustan, Persian, and English, mathematics, philosophy, world history, signed by tutors. Thank you, Jazakallahu Khair. University grants Indians Institution of Science, Bangalore and Delhi University. Thank you to the colloquial. Shabaya AC Arabian Food Court.
शहर के बीचों बीच मुगल पुरे पर। मंदी का असली जायका चाहिए तो अब शवाया अरेबियन फूड कोर्ट को आजमाइए। चिकन, मटन और फिश मंदी के साथ आपके लिए, आपके मजे को दोबाला करने के लिए पेश है बटेर मंदी, साथ में कई चटपटी गजाएं जैसे प्लेटर, ग्रिल चिकन, टंगड़ी कबाब, शवरमा और तमाम चाइनीज और कबाब्स। आपके जायके की तस्कीन शवाया एसी अरेबियन फूड कोर्ट। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड डिकाशन, जूसेस, घाबा और स्वीट्स भी दस्तियाब। अलहदा फैमिली सेक्शन के साथ आप तमाम का इस्तकबाल है। तमाम क्रेडिट कार्ड की कबूलियत के साथ शवाया अरेबियन फूड कोर्ट। शवाया अरेबियन फूड कोर्ट, रूबरू खोबा मोबाइल्स, बीबी बाजार, मुगलपुरा, हैदराबाद।